हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक है स्वागत है, वेलकम है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ज़बरदस्त, जी हाँ, कुछ ज़बरदस्त सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो में बहुत एक अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं जो आपके OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया या आपकी ज़िंदगी में चल रही जो भी समस्याएँ हैं उनको रिलैक्स करने में, उनको जानने में, उनको समझने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो उससे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस रविवार को सुबह 10 बजे अपना स्पेशल कंटेमिनेट OCD के ऊपर, जिसमें गंदगी लगने का जो डर है, बीमारी फैलने का डर है, या अपने अपने जो विचार आपको चल रहे हैं कि मैं कंटेमिनेट हो गया, और उसके बाद आप बार बार जो हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, चीज़ों की आप साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक स्पेशल गूगल मीट हम लाइव सेशन कर रहे हैं, एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसका जो लिंक है आपको व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिलेगा। तो वो आप अपनी प्रॉब्लम और लिख करके भेज दीजिए और आपको लिंक मिल जाएगा जी। तो सिर्फ कंटेमिनेट OCD वाले लोग ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि कंटेमिनेट को साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से हम अच्छे से समझने वाले हैं उस प्रोग्राम में, इस रविवार 10 बजे। तो लिंक आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अपने व्यवहारिक के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक रूल रेगुलेशंस, या ऐसा कहूँ कि जीवन मूल्यों, जीवन मूल्य, जी हाँ दोस्तों, हम अपने जीवन मूल्यों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ, एक बात, एक अनुभव आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए, आप अपने जीवन में तनाव से ग्रसित हैं, स्ट्रेस, परेशान हो रहे हैं, बहुत समस्या आपको आ रही है, हर चीज़ आपको नकारात्मक लग रही है, ये पूरा संसार आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार ही गंदा है। OCD वालों को तो ऐसा लगता है जो गंदगी फैल जाने का, वो सारे संसार को धोना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गंदी कोई चीज़ें बाहर वो लोग नहीं हैं, दूसरी चीज़ें नहीं हैं, ये संसार गंदा नहीं है, वो खुद ही गंदे हैं। तो उस गंदगी को कैसे साफ़ किया जाए, अंदर की गंदगी को कैसे साफ़ किया जाए, क्योंकि बाहर की चीज़ों को तो आप साफ़ कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, ये तो जो अंदर जो वहम बैठे हुए हैं, जो भ्रम बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, कुछ होने का, चोरी होने का, चेकिंग करने लग जाते हो, कुछ भी, तो उनको कैसे डील किया जाए, कैसे उनका सामना किया जाए, कैसे उनको अच्छे भावों में बदला जाए जो नकारात्मक भाव हो चुके हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक शब्द है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, एहसानमंद होना। आप अपने जीवन में सिर्फ उस समस्या को देख करके परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है, चिंता, डर है, लेकिन आपको दूसरी और चीज़ें तो दिख ही नहीं रही। आप उस प्रॉब्लम को, जितना ज़्यादा आपका फोकस और ध्यान उस प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा, वो बढ़ेगी या कम होगी, वो समस्या उतनी ही ज़्यादा दिखाई देगी, ज़्यादा दिखाई देगी। तो फिर क्या करना है, हमें अपने जीवन में मिली हुई हर एक चीज़, वस्तु, व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखानी है, और कृतज्ञता का भाव अपने मन में अंदर भरना है। वो कैसे होगा, वो होगा धन्यवाद। पहला मंत्र क्या है, थैंक यू, थैंक यू, जी हाँ, हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए कि जो आपके जीवन को फ्लेक्सिबल कर रही है, रिलैक्स कर रही है, जीने में मदद कर रही है, आसानी दे रही है। जब आप अपने जीवन में ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, इधर उधर देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा, और जब आप उनको देखेंगे तो आपकी समस्या बिल्कुल छोटी सी लगेगी कि एक पूरा एक ज़बरदस्त गोला है और उसके अंदर एक छोटा सा बिंदु है, सिर्फ उतनी छोटी लगेगी। जब आप अपने जीवन में दूसरी चीज़ें जब आप देखेंगे तो अच्छा भाव पैदा करेंगे। कैसे, सबसे पहले आप अपने शरीर को देख लीजिए, आपके हाथ काम करने में मदद कर रहे हैं, आंखें आपको देखने में मदद करनी है, दांत आपको खाना खाने में मदद कर रहे हैं, कान आपको सुनने में मदद कर रहे हैं, पैर आपको चलने में मदद कर रहे हैं, आपकी सांसें, आपका हार्ट, सारा सिस्टम इस पृथ्वी में आपको अस्तित्व में बिठाए हुए हैं, जिंदा रखे हुए, इससे बड़ी बात क्या है। तो उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। उसके बाद
चीज़ों के बारे में थैंक यू बोल सकते हैं कि ये शर्ट मैंने पहनी हुई है, इसने मेरा शरीर को ढका हुआ है, तो इसका मुझे थैंक यू। ये फ़ोन है, ये मेरे माइक लगा हुआ है, इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब भी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो मैं इसको थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू, क्योंकि इसने मेरा सहयोग किया। पेड़ छाया दे रहा है, प्रकृति को आप देखो, मिट्टी, पानी, प्यास बुझाने के काम, मिट्टी से खाना, हवा से आप सांस ले रहे हैं, सूरज ना होगे तो जो सूरज से होने वाली चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, तो इसलिए हर एक चीज़ का थैंक यू। आप अपने आसपास सिर्फ इतना महसूस कर लीजिए कि आपके जीवन जीने में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से लोग, तो जब आप वो देखेंगे तो आपको एक विशालता नज़र आएगी और आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल छूने छोटी सी दिखेगी और आपके अंदर एक सकारात्मकता का भाव भर जाएगा, जो आप नकारात्मकता से भरे हुए हैं, और फिर होगा प्रेम का सृजन, फिर होगा प्रेम का सृजन जी। और प्रेम जो है, जो अभाव आपके जीवन है में है, वो प्रेम के प्रभाव से फिर वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। यही है मूल मंत्र अपने जीवन को सकारात्मकता से जीने का और हर काम को करने का, दूसरों के साथ रहने का। तो अब वो डिसीज़न हमारी, चॉइस हमारी है, वो डिसीज़न हमारा खुद का है कि हम अपनी समस्या को देखना चाहते हैं या संभावनाएं भी तो है ना कितनी। तो बस उस समस्या से ध्यान हटा करके आप अपने आप को आज ये महसूस कीजिए, रियलाइज़ कीजिए कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मदद कर रही हैं, तो आप अपने आप में एक नयापन, नए एहसास से भर जाएंगे, लबालब हो जाएंगे, आपके अंदर करना होगी, अच्छा एहसास होगा, और जो इरिटेशन, गुस्सा है वो धोना, डर लगना, वो उतना ही ज़्यादा साफ़ करेगा। अंदर की गंदगी को साफ़ करने के लिए ये प्रेम, एहसास, कृतज्ञता, धन्यवाद, जीवन मूल्यों के ऊपर काम करना होगा और अपने जीवन मूल्यों को समझना होगा। और खुशी, ये सारे क्या हैं, ये आपके जीवन मूल्य हैं, ये आपका अधिकार है, आपको लेना चाहिए, लेकिन आप जानबूझकर इससे दूर हो रहे हैं। तो जिंदा रहना सीखना है, तो इसलिए मैंने एक कोर्स बनाया है 10 दिन का, पूरे 10 दिन डेली आप मेरे साथ स्पेंड करते हैं और आप अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं, जिसमें आप अपनी मानसिक समस्याओं का समाधान करते हैं, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया। OCD बहुत फालतू के विचार चलना, एंगर, गुस्सा होना, जॉब में आपके समस्या होना, व्यवहारिक समस्या होना, दूसरों के साथ रिश्तों का अच्छा ना होना, जैसे कुछ मस्टर्बेशन से रिलेटेड समस्याएं होना, आपके मन से, विचार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो ये चैनल पर दिया गया हर वीडियो आपके काम आएगा। तो इसलिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपना अनुभव, आपके जीवन का अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं और दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं और अपनी जो समस्या है और 10 डेज़ का जो कोर्स है उसको करके अपने जीवन के हर एक पहलू में आप एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकते हैं। आप किस तरीके से रहना चाहते हैं, वो उसको चॉइस कैसे उसको बनाएं, वो तमाम बातें गहराई से जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलने के लिए, तो आप 10 दिन का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद, आपका भी थैंक यू।